जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कल गई थी क्या नाम है सदर बाजार, तो वहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मुझे सामान मिला है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उस सामान को कि मैं क्या क्या लाई हूँ और किस रेट में लाई हूँ। तो आप मेरी ब्लॉग में जब तक बने रहें फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये कॉम्ब लेके आई थी मैं, जिसकी ज़रूरत हर घर में होती है और वैसे भी सभी के घर में कहते हैं ना कि अलग अलग सबका कॉम्ब होना चाहिए तो ही बेस्ट रहता है। मतलब किसी का कंघा कोई ना यूज़ करे वो ही ठीक रहता है। कंघा और एक टॉवल, ये दो चीज़ सबकी अलग अलग ही होनी चाहिए घर में। तो मैं लेके आई थी सबके लिए कॉम्ब लेके आई थी, एक्स्ट्रा ही लेके आई थी, बल्कि ज़रूरत पड़ती रहती है वैसे भी इनकी। तो सेकंड नंबर पे मैं लाई थी ये क्लिप्स, चल रही हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग में चल रही हैं और पार्टी वियर हैं ये, और आप इसको कैसे भी ड्रेस पे आप इसको वियर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी है ये, इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है और मुझे बहुत ही अच्छे ये रेट में मिली है वहाँ से। और यहाँ से अगर हम ख़रीदेंगे तो ये मान लो कि दुगने का अंतर हो जाता है, दुगने तीन गुने का। तो यहाँ से ये 50 रुपीज़ की एक चिमटी मिलती है, लेकिन वहाँ से मुझे ये 10 रुपीज़ की पड़ी है एक। और ये जो मैंने अभी आपको कॉम बताया था ये मुझे पड़ा है यहाँ पर मिलेगा 10 रुपीज़ का, वहाँ पर ये मुझे एक 5 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा है। एंड थर्ड है ये छोटी छोटी क्लिप्स, जो कि अगर हम शॉप से कहीं से भी लेते हैं तो हमें कम से कम 20 रुपये जोड़ी ये मिलती ही मिलती है, 20 रुपये जोड़ी। तो वहाँ से ये मुझे मिली है तो ये 40 रुपये में मुझे 5 जोड़ी मिली हैं, जो कि 10 रुपीज़ से भी कम रेट में मुझे ये पड़ गई हैं। एंड थर्ड है ये क्लिप्स, जो कि डेली वेयर वाले हैं और कलरफुल हैं, किसी भी कलर में आप इसे वेयर कर सकते हो, लगा सकते हो मतलब। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये मुझे कुल 5 रुपये का एक पड़ा है, और जबकि यहाँ अगर हम शॉप से कहीं से भी इसको लेते हैं तो ये हमें 10 रुपीज़ से कम का नहीं मिलता। तो ये भी मैं इकट्ठे लाई हूँ। एंड नेक्स्ट है मेरा ये साड़ी के ब्रॉच, ये भी मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं फ्रेंड्स। और इसका वन पेयर का जो प्राइस है इसका पूरे का, वो है 30 रुपीज़। और अगर हम इसे कहीं से शॉप से या फिर मार्केट से हम परचेज करते हैं तो फ्रेंड्स हमें ये कम से कम 10 रुपीज़ का एक पड़ता है। तो ये है एक। एंड नेक्स्ट है मेरा ये भी ब्रॉच है, और इसे आप कहीं भी मतलब साड़ी पे या फिर सूट जैसे चुन्नी हम सेट करते हैं सूट के साथ साइड में एक साइड में जो करते हैं, तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये भी। एंड नेक्स्ट है ये बच्चों वाली रबर्स हैं, ये छोटी छोटी जो होती हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में वहाँ से मिला है, जो कि इसका प्राइस है 40 रुपीज़। और जो कि यहाँ पे मैंने त्रावनगर में पता करा था तो मुझे यहाँ पे 80 रुपीज़ का मुझे ये बताया था, तो वहाँ से ये मुझे 40 रुपीज़ में पड़ा है ओनली। ये हेयर बैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया आराध्या के लिए, और एक मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए लिया जानवी के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स दो मैं ये लेके आई थी हेयर बैंड्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पे मैंने पता किया इन्हें तो यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का एक बताया, और वहाँ से ओनली फॉर मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मुझे ये वहाँ से एक पड़ा है, तो दोनों हो गए 60 के। एक मैं लाई हूँ ये कंगन, हाथ के कड़े हैं ये, डेली वेयर के या फिर तुम कहीं जा रहे हो तो भी इन्हें पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं ये। बाकी ये सीप के हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसलिए मैंने ये सोचा कि ले ही लेती हूँ, और वहाँ से ये मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ। ये चीज़ें तो वैसे भी काम आती हैं घर में भी, और कोई आ जाए बाई चांस किसी को साड़ी पर रख के देना पड़ जाए या फिर घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिले हैं। अभी मैं आपको प्राइस भी इसका बताऊँगी, तो पहले दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये कितना सुंदर है, ओनली 50 रुपीज़। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये और ये सेम है, लेकिन ये सीप में है और वो कांच में है। और नेक्स्ट ये है, ये भी कुछ सीप में है, कुछ कांच में है, कुछ प्लास्टिक में है, मतलब डेली यूज़ में बहुत अच्छे हैं जो कि होने चाहिए।
और नेक्स्ट है मेरा ये, और ये किसी भी सूट पे शादी में पार्टी में कहीं पे भी आप इसे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं ये फ्रेंड्स। और ये मेरे पे पहले भी थे, पहले वाले मेरे ख़राब हो गए तो इसलिए मैं अब दूसरे वाले लेके आई हूँ। और जो मैंने अभी आपको पीछे कंगन दिखाए थे, कड़े दिखाए थे डेली वेयर वाले, वो 30 रुपीज़ का एक पेयर मुझे पड़ा है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मुझे 150 में एक पेयर पड़ा है पूरा, जो कि अगर हम शॉप से परचेज़ करते हैं तो हमें 350-400 रुपये से कम नहीं मिलते हैं ये वाले, वहाँ से मुझे ये 150 का ये पड़ा है। नेक्स्ट है मेरे ये नेल पेंट्स, जो कि ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए हैं। यहाँ पे यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 20 रुपीज़ का मिलता है, अगर हम मार्केट से लेते हैं तो वहाँ से मुझे ये 10 रुपीज़ का मिला है एक। और ये मैं एक लाई हूँ सीज़र, जो कि मतलब घर में हर घर में ज़रूरतमंद होती है, तो ये भी मुझे वहाँ से 50 रुपीज़ में पड़ी है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये रबड़ बैंड, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं ये, मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ। ये मुझे मतलब 40 रुपीज़ का रबर बैंड का पैकेट पड़ा है, जिसमें कि इसमें 60 अबव होती हैं इसमें रबर बैंड्स। तो नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये पिन का पैकेट, इसकी तो ज़रूरत पड़ती रहती है ना, घर में हर घर में ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा ले, बहुत मैंने एक ही बार ले लिए, कई साल तक की छुट्टी लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिन का बहुत इस्तेमाल होता है हमारे घर में, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा ले लिए थे। नेक्स्ट हैं ये क्लिप्स हैं, ये छोटी कुछ छोटे हैं ये देखिए, ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं, वहाँ से 20 रुपीज़ में मिले हैं। और ये 30 का है ये, क्योंकि बड़ा है तो ये 30 में मिला है, जो कि अगर आप शॉप से ख़रीदोगे तो 50 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये भी मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है, ये 20 रुपीज़ वाला है। और ये आराध्या के बालों में आ जाएगा छोटा, छोटे में लाई हूँ आरू के लिए, या जिसके हल्के बाल हैं वो यूज़ कर सकता है। और नेक्स्ट है ये है गोगल, और ये अगर हम यहाँ से ख़रीदते हैं तो हमें कम से कम 100 रुपीज़ का मिलता है, तो वहाँ से ये मेरे को 50 रुपीज़ में, ओनली 50 रुपीज़ में मुझे ये वहाँ से मिला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि ले लूँ। वैसे भी स्कूटी पे जाते रहते हैं तो होना चाहिए ना, मतलब लगाने के लिए कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट है ये बेल्ट, जो कि ये चमड़े की है, प्योर लेदर है, और ये मैं लाई हूँ शुभम के लिए, उसको मतलब मुझे बहुत अच्छे प्राइस में ये मिल गई है। और अगर मैं इसको यहाँ से लेती तो यहाँ से मुझे 100 रुपीज़ से कम की नहीं मिलती है, वहाँ पे मुझे मिल गई है 50 रुपीज़ की, तो ये भी मैंने ले ली है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरा ये सेट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मुझ पे सेट ही नहीं था, बस इसीलिए मैंने एक सेट भी लेना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स एक मैं लाई थी ये पैरों की है, ये पैरों में पहने, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं ये, गर्ल्स पहनती हैं इन्हें, तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल गई हैं। और यहाँ पे मैंने बाज़ार में पता किया था तो मुझे 50 रुपीज़ की बताई थी, पेयर है दोनों का, दोनों पैर का पेयर है। और ये जो मतलब एक पाजेब का भी काम करता है, नज़रिया का भी काम करता है, और मतलब अच्छे तरीके बहुत अच्छा लगता है ये, तो एक मैं ये लेके, एक इसका ये वाला पीस है, ये भी बहुत अच्छा है, सुंदर है काफ़ी, एक आराध्या के लिए और एक गुड़िया के लिए, दोनों के लिए लाई थी, तो इन दोनों ने बियर भी कर लिए हैं ये। हेलो फ्रेंड्स। और क्या लाई थी मैं, दिखाओ, और लाई थी मैं ये नाड़े, जो कि मुझे वहाँ पे ये तोल के हिसाब से मिले हैं, हमने इसकी गोले बना लिए हैं फ्रेंड्स, और ये भी बहुत अच्छे प्राइस में हमें मिल गया है। फ्रेंड्स ये जो नाड़े हैं ये भी हमें वहाँ पे 180 रुपये किलो हमें उन्होंने बताया था, तो 180 रुपये किलो में जो है कम से कम 150 मीटर नाड़ा ये हो जाता है, और 150 मीटर के हिसाब से 180 रुपये किलो में अगर हमें ये मिल रहा है तो ये हमें पड़ गया 125 रुपये मीटर। और अगर हम बाज़ार से इसी नाड़े को ख़रीदते हैं तो हमें ये पड़ जाता है 5 रुपये 5 रुपये मीटर मुझे ये पड़ता है, क्योंकि जब मैं लाती थी बाज़ार से 10 रुपये की वाली गुच्छी तो उसमें कुल 2 ही मीटर निकलता था, 2 से 2.25 मीटर, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं निकला। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा हर घर में काम आने वाली चीज़ें हैं, और अगर एक बार ले लो तो कई साल तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, मुझे दिख गई थी वहाँ पर।
और बस ये छोटे छोटे आइटम मैंने कल लेके आई थी, और मैंने सोचा कि चलो भाई जा रहे हैं। मैं वैसे एक बार और गई थी सदर बाज़ार, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भूल भी गई थी रास्ता, फिर मैंने सोचा कि चलो हो जाते हैं, कोई नहीं, जाना आना चाहिए। अगर जाओगे आओगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा रास्तों के बारे में, कैसे तुम्हें दुनिया के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं चली गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सबको सामान मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई, सब खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। बस अब यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय करो सब, बाय बाय।